असलम एवरी एवरीवन वेलकम टू ग्राम वी लर्न इंग्लिश विद इजी लेसंस और आज आप लोगों से रिक्वे मतलब आप लोगों से मेरा प्रॉमिस था कि एवरी संडे मैं आप लोगों के रिक्वेस्टेड वर्ड्स को एक्सप्लेन क्या करूंगी तो आज उसी तरह से लेसन है इस लेसन में मैंने आपके कुछ रिक्वेस्टेड वर्ड्स नोट डाउन किए थे तो उन तमाम वर्ड्स को मैं इस लेसन में एक्सप्लेन करने लगी हूँ आपकी कोई और रिक्वेस्ट है तो आप इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में आप उन वर्ड्स को मैंशन कर सकते हैं तो इनशाला नेक्स्ट संडे वो वर्ड्स जो है मैं एक्सप्लेन कर दूंगी ठीक है जी तो चले जी शुरू करते हैं पहला हमारा वर्ड है वो है जी सम्बैलेंस सिम्बलेंस जो है ये नाउन है और इसका मतलब होता है इट रेफर्स टू एन आउटवर्ड अपेयरेंस और अपीरेंट फॉर्म ऑफ समथिंग व्हेन द रियलिटी इज डिफरेंट देखिए किसी इंसान की जो आप कहते हैं ना कि आउटवर्ड अपेयरेंस जो उसकी जाहरी जाहरी जो शक्ल है वो कैसी है उसके बारे में जब बात कर रहे होते हैं उसको सम्बैलेंस कहते हैं लेकिन वो जो उसकी आउटवर्ड मतलब जैसा वो दिखने में नजर आ रहा है जरूरी नहीं है कि वो रियलिटी में भी वैसा हो अच्छा इसमें मैं आपको उर्दू में वर्ड्स दे देती हूँ जैसे कि होता है ना कहते हैं कि मुशाबहत ठीक है मतलब ये तो उसके जैसा लगता है हम कहते हैं ना ये इसमें उस चीज की झलक है तो ये झलक होना मुशाबहत होना उसके जैसा लगता हुआ होना उसके सेंस में सिम्बेलेंस यूज होता है मतलब ऊपर से तो नज़र आ रहा है कि ये ऐसा है जरूरी नहीं है क्योंकि मुशाबहत और झलक में भी क्या होता है कि एक थोड़ी सी रिजेंबलेंस होती है लेकिन उसमें ये नहीं होता है कि रियलिटी में वो चीज़ एक्चुअली वैसी हो मैं आपको अपना एग्जाम्पल्स में समझाती हूँ इसलिए मैंने इसके तीन डिफरेंट एग्जाम्पल्स लिखी है ठीक है द पॉलिटिशियंस प्रोमिस हैड अम्बेलेंस ऑफ सिंसेरिटी आप यहाँ से जहन में रख लीजिए मतलब से समझ लीजिए इस वर्ड को कि पॉलिटिशियन के जो प्रोमिस हैं, उसके जो वादे हैं, कि उसमें एक सिंसेरिटी की झलक नजर आ रही है

अब वो जब कंक्लूजन पे पहुंचा है तो कोई इंसान ये कह रहा है कि ये जो केस है ना डिड नॉट इवन हैव कि मतलब इसमें आपको सम्बैलेंस ऑफ अ फेयर ट्रायल कि ये फेयर ट्रायल हुआ है ये बड़ा इंसाफ के मुताबिक ये केस हुआ है उसकी एक सम्बेलेंस uh, भी नज़र नहीं आ रही मतलब कि उसकी एक झलक तक इसमें नज़र नहीं आ रही मतलब वो केस इतना बायिस्ड था कि उसमें फेयर ट्रायल की एक सम्बेलेंस भी जो है ना वो आपको नज़र नहीं आ रही है डिड नॉट इवन हैव अ सम्बेलेंस ऑफ अ फेयर ट्रायल कि उसमें एक झलक भी इस चीज की जो थी ना एक मुशाबत भी कि हाँ भी शायद कहीं पर इंसाफ से काम लिया गया हो वो वो मुशबत तक वो झलक तक भी उसमें नजर नहीं आ रही थी कि कोई फेयर ट्रायल हो मतलब इंसाफ के जिसमें तकाजे पूरे किए गए हो उसकी मुशाबत भी नजर नहीं आ रही थी ठीक है तो ये सम बैलेंस ऑफ अ फेयर ट्रायल मतलब कि उसकी झलक ये लगना मतलब फील भी नहीं हुआ लगा भी नहीं वो कि ये फेयर ट्रायल हो रहा है इतना बाइस्ट केस था ठीक है अच्छा जी जैसे ये थर्ड सेंटेंस है

वो है जी ऑब्सटिनेट ऑब्सटिनेट जो है ना जकी बच्चा इसको मैं भी बताती हूँ आपको उन्होंने मेरे से कहा था कि ऑब्सटिनेट और स्टबन का ना डिफरेंस भी बता दीजिएगा तो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ फिर आपको स्टबन का भी समझ में आ जाएगा जिन्होंने भी ये रिक्वेस्ट की थी ना मुझे याद नहीं है एडजेक्टिव है ये अच्छा इसका मतलब क्या है अ परसिस्टेंट अ परसिस्टेंट एडहेरेंस टू वन्स ओन ओपिनियंस डिसीजंस और कोर्स ऑफ एक्शन ऑफन टू द पॉइंट ऑफ बीइंग अनरीजनेबल और अनयील्डिंग ठीक है ऑब्स्टिनेट कैसे ऐसे इंसान को कहते हैं कि जो इंसान अपनी बात पे अड़ जाए जिसको हम रिजिड बोलते हैं ठीक है ठेके? अगर आम में आपको आम जुबान में आम इंग्लिश में उसको एक लफ्ज दू आपको तो रिजिड जो अपनी बात पे अड़ जाए उसके सामने आप किसी भी किसी तरह से भी उसके सामने फैक्ट्स ला के रख दे उसके सामने ऑर्ग्यूमेंट्स ला के रख दे दलाइल रख दे उसके सामने वो अपनी उस बात से हटने के लिए तैयार ना हो ऐसे रिजिड इंसान को ढीट इंसान को आप कहते हैं ठीक है थीके? कि जो अपनी किसी भी डिसीजन के ऊपर किसी भी फैसले के ऊपर या किसी भी ओपिनियन के ऊपर वो इतना रिजिडली जो है ना वो ढीट इंसान की तरह वो उस उस चीज पे अड़ जाए वो इंसान वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा परसिस्टेंट हो जाए उस उस अपने फैसले के ऊपर कि वो उसको किसी सूरत भी चेंज करने के लिए या अपनी उस ख्याल में या अपनी उस ओपिनियन को किसी सूरत भी चेंज करने के लिए तैयार ना हो या अपनी किसी को किसी सूरत भी चेंज करने के लिए तैयार ना हो नो मैटर वर्ड कि आपने उसके सामने कितने ही एविडेंसेस लाकर सामने रख दिए हो कितने भी दलाल उसके सामने रख दिए हो कितना भी उसको कन्विंस करने की कोशिश की हो परसवेट करने की कोशिश की हो वो नहीं चेंज होने के लिए तैयार है ऐसे इंसान को ऑब्स्टिनेट कहते हैं। ये थोड़ा सा ना ये वर्ड जो है वो ये नेगेटिविटी की तरफ जाता है कि ऐसे लोग मतलब जो बहुत ज़्यादा रिज़ॉइड हो, जो नहीं चेंज करते अपने आप को अपने ओपिनियंस को, ऐसे इंसान को आप ऑब्स्टिनेट कहेंगे। स्टबबल वो इंसान होता है जो अपने किसी Um, काम को लेकर हो कि नहीं मैंने ये काम अपना करके ही छोड़ना तो स्टबन नेगेटिव वर्ड नहीं है ठीक है स्टबन में एक पॉजिटिविटी है कि वो एक इंसान है जैसे एक इंसान के, के नहीं भी मैं काम कम्प्लीट करके ही खाना खाऊंगा ठीक है तो ही वो आर टू कंप्लीट हिज वर्क कि वो काम करने के लिए बिफोर हैविंग हिज डिनर और लंच ठीक है कि वो काम करने से वो स्टर्बन था कि भी मैंने अपना काम कंप्लीट करना है ठीक तो वो इंसान जो है ना वो persistence, जिसको परसिस्टेंस कहते हैं ना कि वो इंसान डिटर्मेंट था स्टर्बन इंसान वो होता है कि जो किसी काम को करने के लिए डिटर्मेंट होता है ऑब्सटिनेट वो इंसान होता है जो किसी भी सूरज जो है ना वो चेंज करने के लिए तैयार ना हो अपने आप को चाहे उसके सामने फैक्ट्स रख भी दिए जाए ठीक है तो ऐसे इंसान को ऑब्स्टिनेट कहते हैं अब देखिए इसके एग्जांपल्स डिस्पाइट न्यूमरस अटेम्प्ट्स टू कन्विंस हिम अदरवाइज जॉन रिमेन ऑब्स्टिनेट इन हिज डिसाइन टू क्विट हिज जॉब के मतलब उसके सामने बहुत सारी अटेम्प्ट्स हमने की बहुत सारी हमने कोशिशें की कि उसको कन्विंस करें कि वो अपनी जॉब जो है ना वो आ, ना छोड़े लेकिन वो मतलब ऑब्स्टिनेट रहा

आप इसको ढीठ कह लें स्टन भी कह सकते हैं मैंने कहा ना स्टर्बन होता है डिटर्मेंट इंसान होता है कि मैंने ये काम करके छोड़ना है थोड़े से ये वर्ड्स आप इंटरचेंजेबली भी, भी यूज़ कर सकते हैं इसके जो हल्का सा मतलब में डिफरेंस था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ऑप्शन ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है ठीक तो सारा जो थी ना वो स्टबन थी वो ऑप्स्टिनेट थी वो मतलब डिटर्मेंट थी वो परसिस्टेंट थी कि भाई मैंने जो है ना किसी की हेल्प नहीं लेनी है अब चूंकि उस वो इस बात पर बहुत ज्यादा मतलब ढीठ थी आप कह लें रिजिट थी कि मैंने किसी की

चैलेंजेस आए ठीक है जी ऑप्शन हो गया जी आ गया जी ड्रिकोनियन ट्रिकोनियन जो है ना ये हम वर्ड एडजेक्टिव है इसको हम न्यूज़ में बहुत ज़्यादा सुनते हैं ठीक है और ये रिलेटेड होता है लॉज से रूल्स से रिलेटेड होता है ये ड्रकोनियन लॉ है ये ड्रकोनियन रूल uh, है इस तरह की चीज़ें मतलब ऐसे लॉज ऐसे रूल्स जो एक्सट्रीमली हार्श हो स्ट्रिक्ट हो सख्त हो सवेर किस्म के हो जो सख्त किस्म के रूल्स हो जिसमें के बेसिक ह्यूमन राइट्स जो है उनको वॉयलेट कर दिया जाए बड़े सख्ती कर दी जाए लोग uh, ऐसे रूल्स इंप्लीमेंट कर दिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कर दिए जाए या किसी मुल्क में इंप्लीमेंट कर दिए जाए Uh, जिस पे कि लोगों को लगे कि उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स जो है वो वाइलेट हो रहे हैं बड़े सख्त किस्म के लॉज जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिए जाए कर दिए गए हैं तो ऐसे लॉज को कवानीन को ऐसे रूल्स को या ऐसे मैर्स को पॉलिसीज़ को किसी कंपनी के अंदर को ऐसी पॉलिसीज़ जो है ना वो सख्त किस्म की इम्प्लीमेंट कर दी गई है तो उनको ड्रिकोनियन बोला जाता है ठीक है जैसे कि यह द न्यू रेगोलेशन इम्फोज बाई द गवर्नमेंट वर कंसिडर ड्रिकोनियन एज दिसवियरली रिस्ट्रिक्टल फ्रीडम्स एंड इम्पोज हैवी पेनल्टीज फॉर माइनर इन्फ्रक्शन इंफेक्शन का मतलब होता है कि आप किसी रूल को तोड़ें ठीक है रूल तोड़ना इन्फ्रैक्शन कहलाता है तो वो कह रही है कि जी गवर्नमेंट ने जो है ना वो नई जो रेगुलेशन जो है वो जो इम्पोज की हैं जो मतलब के लागू की हैं वो ड्रिकोनियन लोग मान रहे हैं उनको कि बड़े सख्त किस्म के हैं क्योंकि उसमें क्या हुआ है कि उसमें पर्सनल फ्रीडम्स जो है एक जाति इंसान की जो एक आजादी होती है उसको जो है वो बड़ा महदूद कर दिया गया रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है और फिर हैवी पेनल्टीज लगा दी गई है कि मतलब जो हैवी किस्म की सजाएं

Um, undertaken in order to achieve a specific goal. देखिए एक तो होता ना सफर जिसको हम जर्नी कहते हैं आम जुबान में ठीक है। और भी एक जर्नी होती है लेकिन एक सफर तो होता है कि बस आप एक सफर कर रहे हैं एक जगह से कोई इंसान किसी दूसरी जगह पे जा रहा है वो किसी भी वजह से जा सकता है और हो सकता है कोई ना भी वजह हो क्वेस्ट होता है कि वो सफर जिसको आप कोई खास मकसद के लिए करें जो जिसमें जिसके पीछे आपका कोई खास मकसद हो कोई खास गोल हो जिसको अचीव करना हो ठीक है तो उसको क्वेस्ट उसके सेंस में क्वेस्ट बोला जाता है क्वेस्ट जो है ये थोड़ा एडवांस वर्ड है एकेडमिक वर्ड है इसको आ, आप आ, मतलब बुक्स वगैरह में इस वर्ड को काफी पढ़ेंगे स्पोकन इंग्लिश में नहीं इस्तेमाल होता है इतना ज्यादा ये वर्ड स्पोकन इंग्लिश में याद रखिएगा सिंपल इंग्लिश इस्तेमाल होती है ठीक है या उसमें बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन नेटिव स्पीकर जो की अगर मैं बात करूँ तो वो एक्सप्रेशन बहुत इस्तेमाल करते हैं वो स्लैंग्स बहुत इस्तेमाल करते हैं वो फ्रेजल वर्ड्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल इडियम्स भी होती है पर मैंने जो मेरी जो मैंने जो नोटिस किया है Idiom से भी ज्यादा वो फिजल वर्ड और एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं और स्लैंग करते हैं ठीक है तो अच्छा क्वेश्चन की बात कर रहे थे तो क्वेस्ट ये है कि भाई कोई सफर जो किसी खास मकसद के लिए किया गया हो ठीक है कोई इलाका है वहां उस इलाके की जो सबसे हाइस्ट जो पीक है जो सबसे ऊंची चोटी है तो कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है और दोस्तों का कोई ग्रुप है और उन्होंने हम ये सफर करेंगे कि हम इस जो है ना पीक को वो चोटी को जो है ना वो हम क्लाइम करेंगे इसके है? तो जर्नी मतलब मतलब अगर आप यहां पर जर्नी तो का एडवांस वर्ड है और जो है ना उसके पीछे एक स्पेसिफिक रीजन होती है कि हाँ भी किसी मकसद क्या बनाया है गोल बनाने की हम इस चोटी को सर करेंगे तो इस वजह से यहां पर लेकिन अगर आप आम जुबान में बोले पर जर्नी वर्ड इस्तेमाल गल गए तो मतलब मैसेज तो कन्वे हो जाएगा कोई ऐसा तो नहीं कि किसी को समझ नहीं आएगी आ जाएगी क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेसिफिक है और थोड़ा सा एडवांस्ड है ठीक है और एक एकेडमिक है थोड़ा सा ये वर्ड आज सर जी नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी क्वेंटिसेंट क्वेंट

आला दर्जे के ये ये काम हुआ है ठीक है तो उसको कहेंगे उसको अच्छा एक्चुअली ये वर्ड एम्फोसाइज होता है किसी भी दूसरे एडजेक्टिव को ना जो भी तारीफ है जो तारीफ का जो जो भी वर्ड है उस पे एम्फोसिस करने के लिए उस पर जोर डालने के लिए ये कहने के लिए कि बहुत ज्यादा अच्छा या ये बहुत ज्यादा के जो सेंस होता है ना मतलब जोर डालने के लिए क्वॉन्टेसेंशली जो ना वो वर्ड यूज होता है अभी जा, जैसे इसको मैं इधर समझाती हूँ शी वॉज क्वॉन्टेसेंशियली एलिगेंट इन हर ब्लैक इवनिंग गाउन अब देखें शी वॉज एलिगेंट इन हर ब्लैक इवनिंग गाउन जो उसने रात को इवनिंग गाउन जो पहना हुआ था उसने ब्लैक कलर का वो एलिगेंट था लेकिन अगर आपने ये कहना है कि बहुत ही ज्यादा एलिगेंट था मतलब कि अब अपने तारीफ थोड़ी सी ज्यादा करनी है उस एलिगेंस जो है ना वो जो, जो एलिगेंट वर्ड है उसमें थोड़ा सा एम्फोसिस करना है तो हमने उसमें ऐड कर दिया कि बहुत एलिगेंट था उसका वो जो गाउन था ना इवनिंग ब्लैक कलर का बहुत प्यारा था जी, बड़ा एलिगेंट था बहुत खूबसूरत था बहुत अट्रैक्टिव था ठीक है? तो उसमें हो गया। जैसे से क्वॉन्टीसेंशियली निकाल कर हम सेंटेंस को पढ़ते हैं हिस्स एक्शन वर्ड हीरो मतलब उसके जो काम थे वो हीरो वाले

अपने काम की वजह से उसको प्रमोशन मिली या उसको इंसेंटिव मिला या उसको कोई अवार्ड मिला लेकिन अगर उसके काम से पहले हम कॉन्टिसेंशियल जो है वो इस्तेमाल कर ले तो क्या हो जाएगा उसका मतलब कि बहुत अच्छा काम ठीक है तो किसी भी चीज के Uh, को मतलब थोड़ा सा उसको बहुत ज्यादा जो है ना उसमें ऐड करने के लिए जो है ना वो कॉन्टिस या कॉन्टिस जब आप इसको एज एन एडवर्ब इस्तेमाल कर रहे हो तो तब जो है ना हम इसको इस्तेमाल करते हैं इस वर्ड का बस ये मतलब है कि ये एम्फोसाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है ठीक है जी ओके जी फ्रेंड्स यहाँ पे लेसन खत्म होता है आई होप कि आपको समझ आ गए हैं आज के जो भी वोकैबुलरी वर्ड्स थे आपके लिए अच्छा था ये लेसन और कोई और आपकी रिक्वेस्ट है कुछ आप वर्ड जानना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट्स में लिखेगा नाफि